हाय फ्रेंड, मैं सबके लिए चप्पल लाई हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि गांव की गंवार आ गई, गांव की, मतलब वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की जो अपनी बोली भाषा है उससे इतना प्यार करती है कि उसे कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है अपनी बोली भाषा में। वो जाके वहाँ पे वैसे ही बोल रही है, चाहे तो हम लोगों के जैसा भी बात कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। बहन पहुँच गई बिग बॉस के घर में, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि खुशी तो इतनी है। अगर शिवानी के अंदर टैलेंट नहीं होता ना, तो ना तो कोई उन्हें अमीर बना पाता, ना ही आज कोई पहचान बन पाता। हाँ, टैलेंट होना चाहिए, गरीब अमीर कुछ नहीं है। और शिवानी ने ये सोच के बनाया कि लोग पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं, तो शिवानी बोली कच्चा टोल के लोग पक्का बनवाते हैं, तो हम कच्चा जैसा बनवाएं और लोगों को दिखाएं। अभी मेरी मौजूदगी एक घर के अंदर है, इस घर को अगर मैं घरौदा कहूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। ये घर किसी और का नहीं, बल्कि आज देश के कोने कोने में मशहूर हो चुकी शिवानी कुमारी का ये घर है। और आप इस घर की बनावट, इस घर की खूबसूरती को देखकर सहज रूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लड़की शिवानी कुमारी, जिसका नाम है औरैया ज़िले के अरियारी गांव की रहने वाली है, जब उन्हें अपने घर बनाने की, मतलब अपना खुद का घर बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह का वो लड़की एक घर बनाती है, एक घरौदा बनाती है, और तमाम तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हुए इस खूबसूरती के साथ इस घरौदे को बनाया गया है। ये निसंदेह सपनों का घर है। हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे शिवानी के रिश्ते में लगने वाले भाई से, और उनकी दो बहनें हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और यहीं से शुरुआत करूँगा। घर देख के क्या लगा आपको? घर देख के अच्छा लगा, और क्या लगा। जैसे अमूमन आजकल जो कच्चे जिनके मकान होते हैं, कच्चा मकान से वो मिट्टी की दीवार उवार बना के जो बनाते हैं, पैसे आ जाते हैं तो लोग उसको गिरा करके पक्का मकान बनवाते हैं, लेकिन एक लड़की जो कई घर बना चुकी है, अपनी बहन का भी घर बनवाया उसने, और वो चाहती तो इसको भी उसी स्वरूप में बना सकती थी, लेकिन इस तरह की कलाकारी, नक्काशी, मिट्टी जैसा लगने वाला घर बनाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? और शिवानी ने ये सोच के बनाया कि लोग पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं, तो शिवानी बोली कच्चा टोल के लोग पक्का बनवाते हैं, तो हम कच्चा जैसा बनवाएं और लोगों को दिखाएं कि हमारे बाबा पर बाबा कैसे रहते थे, कच्चे मकानों में कैसे गुजारा करते थे, उन चीज़ों को देख के बनवाया शिवानी ने। आज पूरे देश में सराहना हो रही है शिवानी के साथ साथ इस घर के भी, है ना, बहुत सारे लोग इस घर को दिखा चुके हैं, और यकीन मानिए जब मैंने इस घर में कदम रखा ना, तो सपनों का घर मेरा भी ऐसे ही है, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि मिट्टी का घर हो, लेकिन आज देख करके एक नया आइडिया मिला है। ये देखिए, पुरानी परंपरा के हिसाब से जो घर में ताके वगैरह बनाए जाते थे, वो सब बनवाया है उस बच्ची ने, उस लड़की ने, और बड़ी मेहनत करी ना। आपका नाम गोरे है ना? गोरेलाल नाम है मेरा। गोरेलाल रिश्ते में भाई लगते हैं? भाई लगते हैं रिश्ते में, मामा के लड़के। अच्छा, मामा के, सगे मामा के लड़के? नहीं। अच्छा, ऐसे ही? हाँ, मोहल्ले के। मोहल्ले सगे तो मामा उनके खत्म हो गए। अच्छा, तो आपने जब उनकी मम्मी ने कुटाई पिटाई करा, तो शायद आपने वो गोरेलाल का नाम ले रहे थे, गोरेलाल ने कहा, समझाया हमको बुआ, नहीं ठीक है, कोई गलत वीडियो नहीं बना रही। हाँ, ऐसा था, उसमें टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगी एक हमारी रीना बीना है फिरोजाबाद में, उन्होंने उसको मोबाइल लेके दे दिया, उसने फीस के पैसे ना जमा करके, क्योंकि लेना भी नहीं क्या, नहीं ये तो बड़ी है वो फिरोजाबाद है। अच्छा, हाँ, तब नए नए मोबाइल चले थे, शौक था कि मोबाइल टच हाथ में आ जाए, अच्छा लगे, फीस ना जमा करके वो फिरोजाबाद चली गई कि दीदी से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि भाई इतको है नहीं, पिता है नहीं, वो फिरोजाबाद गई, बोली दीदी एक हमें मोबाइल लेके दे दो, मोबाइल उन्होंने लेके दे दिया, फिर घर आई, घर दिखाया, मम्मी ने डांटा, ये मोबाइल कहाँ से आया कि दीदी ने लेके दिया, ये नहीं बताया कि मैंने फीस जमा नहीं की, कोई बात नहीं। उसके बाद टिकटॉक उसने डाउनलोड किया, वीडियो बनाने लगी, बनाते बनाते वीडियो थोड़े थोड़े वायरल होने लगे, जैसे 100 लोगों के पास, 200 लोग, हजारों लोग पहुँचने लगे। जब गुरु भाई आगे बताएं, मैं भी बोल कहना चाहता हूं कि आप भी हेलो फ्रेंडा बोल ही दीजिए। हेलो फ्रेंडा, ये ट्रेडमार्क है शिवानी की वीडियो का। तो जब वीडियो वायरल होने लगा, तो गांव मोहल्ले वाले रिश्तेदार फ़ोन करने लगे और घर पे आने लगे, तुम्हारी बिटिया गलत काम कर रही है, वीडियो बना रही है, गांव का नाम ख़राब करेगी, रिश्तेदार पर। तो बुआ जी उसको मार डांटने लगी, वीडियो मत बनाओ, और एक दो बार उन्होंने मारा भी। तो हमने उन्हें समझाया, हमने कि वीडियो बनाना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि वीडियो वो गलत बनाती नहीं थी, सारा वीडियो देहाती बनाती थी, आपने सारे ब्याह, हाँ आप देख, हम सभी देखते थे शिवानी की वीडियो, हाँ आप देख सकते हैं आईडी खोल के, अब तो टिकटॉक तो खैर नहीं देख सकते हैं, कोई भी आईडी उनकी देख लीजिए, कोई भी आईडी में ऐसा वीडियो नहीं है जो आप देख ना सकें, आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ देख सकते हैं। तो हमने कहा वीडियो तो सही बना रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली बुआ, बोली कि अच्छा है, हमने कहा, हमने कहा अगर वीडियो वायरल हो गया ना, तो गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी, हट भी गई, और हट भी गई,
दुआ ऐसी भगवान की रही कि हट भी गई। और हमने कहा हम लोग जहाज़ पे चले गए, कहीं बम्बई चले गए, कहीं विदेश चलेंगे, मतलब हंसी मजाक में ऐसे ही कहते रहते थे। तब उस थोड़ा समझेगा चलो ठीक है बनाने दो, क्योंकि गलत वीडियो बनाती नहीं थी। पहले गोरे भाई बीच में आपको रोकूंगा, गोरे भाई कपिल शर्मा का शो देखते हैं आप? देखते हैं, उसमें सभी से पूछते हैं। सभी से पूछते हैं वो, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? हाँ पूछते हैं आके कैसा अच्छा लग रहा है, और कभी आपने बहुत अच्छा लगता है। हाँ सब लोग एक सवाल और पूछते हैं कि आपने कभी सोचा था कि कपिल शर्मा के घर में जाएंगे? हाँ ये तो अक्सर वो पूछते हैं, कोई भी जाए कि पूछते हैं कि कभी सोचा था कि कपिल शर्मा के शो में मुझे आने का मौका मिलेगा। तो अरियारी की बिटिया बिग बॉस में जाएगी, ये किसी ने आप में, इनकी बहनों ने, किसी ने, पूरे गाँव ने, जिले ने सोचा था ऐसा? नहीं, हमारे हिसाब से तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, हम लोगों ने भी नहीं सोचा है कि बिग बॉस में पहुंच जाए, कभी सपने में क्या, हकीकत में भी नहीं। लेकिन शिवानी अक्सर ये कहती रहती थी कि अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगी, खूब लड़ूंगी और सलमान सर मुझे बुला लें, क्योंकि पहले होस्ट सलमान सर करते थे, तो ये बातें करती रहती थी। तो अरियारी वालों को और अरैया वालों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और लोग जो सोचे नहीं थे वो बहुत खुश हैं कि शिवानी ने हमारे ज़िले का, हमारे गाँव का नाम रोशन कर दिया। और सभी के लिए, अपनी बहन के लिए घर बनाया अलग से, अपने लिए अलग से घर बनाया, और घर बनाया तो पुरानी तकनीकी वाला घर बनाया। हाँ पुरानी तकनीकी वाला बनाया, कि हमारे बाबा पर बाबा जो कच्चे घरों में रहते थे, कच्ची झोपड़ी, उसी टाइप का बनाया कि पुराना साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो लड़की ज़मीन से जुड़ी हुई। हाँ यही साबित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, है ना। हाँ जब पूरे जिले में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे जिले में क्या, पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जीत के बाद क्या होगा? जीत के बाद तो भंडारा होगा खूब कायदे से, जो भी होगा देखना वीडियो में, इतना होगा कि सोच नहीं सकते। हम लोग बहुत खुश हैं, जीत के आए ऐसा भंडारा कराएंगे जो अभी तक हुआ ना हो। दर्शकों को वही हाय फ्रेंडा बोल करके कि जीतने के बाद भंडारा होगा बोलिए। हाय फ्रेंडा, जीतने के बाद भंडारा होगा, पूरा गांव हाय फ्रेंडा वाला हो गया है। बड़ी बहन है सबसे बड़ी वाली? अच्छा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, हीरो के साथ आ रही है। हाँ पहले तो आप लोग घर पे ही काम नहीं करने दे रहे थे, अभी मुंबई भेज दिया। तो जब इस लायक वही तो कान अपने आप चली गई। आप तो घर में सबसे बड़ी थी, कैसा रहा बचपन शिवानी का? बचपन का क्या ऐसे ही हाथ पियते, मजदूरी करती थी, तकलीफ परेशानी, हाँ तकलीफ रहती बहुत। लेकिन लड़की के अंदर जुनून और काबिलियत थी, उसके अंदर टैलेंट था, तो लायक बन गई। टैलेंट था तो, नहीं तो टैलेंट नहीं होता ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं रहता ना, कोई नहीं पूछ तो। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि गांव की गंवार आ गई, गांव की, मतलब वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की जो अपनी बोली भाषा है उससे इतना प्यार करती है कि उसे कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है अपनी बोली भाषा में, वो जाके वहाँ पे वैसे ही बोल रही है, चाहे तो हम लोगों के जैसा भी बात कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन वो उसकी सोच बड़ी अच्छी है ना, और अपनी इनकी जहाँ जैसी भाषा वो बात वैसे ही करता है, और यही चीज तो शिवानी को सबसे अलग बना रही है। जौन आवाज तो ना लोगन ने पसंद करो, वही भाषा बोल रही है। आप भी बोलिए हेलो फ्रेंडा। हेलो फ्रेंडा, एक चप्पल वाला डायलॉग बड़ा मशहूर था, कौन कौन बोलेगा? हाय फ्रेंडा, मैं सबके लिए चप्पल लाई हूँ। देखिए बड़ी दीदी है छोटी वाली, आप इनसे छोटी है कि कोई और भी है? हमसे बड़ी एक और है, हम उनसे छोटी हैं। अच्छा यानी आप शिवानी से बड़ी हैं? हाँ शिवानी से बड़ी है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहन पहुंच गई बिग बॉस के घर में? बहन पहुंच गई बिग बॉस के घर में, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि खुशी तो इतनी हो रही है, सबको लताड़ भी रही। हाँ लताड़ने से मेरा मतलब है अच्छा खेल रही है। अच्छा खेल रही है। और वो कितनी उम्मीदें हैं जीत की? है? जीत की कितनी उम्मीद, कितना भरोसा? जीत की तो बहुत ही उम्मीदें हैं, कैसे इस बार वोट किए उनके फैन लोगों ने, तो जीत की तो बहुत ही उम्मीद है। अच्छा आपकी माँ ने कहा कि शिवानी ने आपके लिए घर बना के दिया, आप ही को दिया बना के इनको? अच्छा आपको दिया, आप बड़ी वाली हैं, सबसे बड़ी यही यहाँ रहती है, आप ही को घर दिया, तो आपको भी कुछ दिया कि नहीं दिया? हाँ हाँ दिया। अगर नहीं दिया तो बताइए, झगड़ा हो जाए कैमरे के सामने? नहीं होगा झगड़ा, हम चार बहनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और दीदी को ज्यादा दिया इस बात में मैं आपके साइड रहूंगा, झगड़ा कर ना कर। हम दो बहने एक ही घर में है। हाँ। हम दोनों तीनों बहनों ने इनको दे दिया। मोबाइल किसने खरीद के दिया? हम दो बहनों एक यहाँ है एक उधर है। रीबा सिबा क्या क्या नाम? रीना बीना। रीना बीना, रीना बीना ने मोबाइल खरीद के दे दिया। हाँ। और मम्मी ने कूट दिया। कूटा तो मोबाइल की वजह से नहीं कूटा, कूट दिया था ना दिव्या, हंस रहे कूट दिया पे। जब उनको भड़का दिया लोगों ने कि तुम्हारी बेटी अच्छा नहीं कर रही है, वो वीडियो बना रही है लोगों को खराब, लड़कियां और भी बिगड़ रही हैं, तब उन्होंने ऐसा किया।
गांव वालों की बातें सुनकर लोक लाज के डर से इस तरह से गांव वाले की अपनी बेटी को बिगाड़ रही है, समझाती नहीं है। हाँ। तो जीत पे होगा भंडारा? हाँ, जीत पे तो बहुत होगा भंडारा। सब भी आएंगे, ढोल नगाड़े सब बजेंगे और हम लोग भी बोलेंगे हाय फ्रेंडा, हम लोग जा रहे हैं शिवानी के घर। दीदी सब बुलाया, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि टिकटॉक तक हमारा साथ रहा कि वीडियो बनाने दो, फिर उसके बाद अभिषेक भाई, अंशुल भाई आए, ये देन आज जो बिग बॉस पहुंचने की है, ये सही पूछो तो अभिषेक की है। अभिषेक ने ही यूट्यूब पे काम किया और यूट्यूब पे आज भी कर रहे हैं, और ये देन पूरी अभिषेक की ही है, अभिषेक भाई की। अभिषेक से हमने भी बात किया और वाकई शानदार पूरी टीम है शिवानी की, इसमें नो डाउट कहीं से कोई कमी की गुंजाइश नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं। एक बात है जो मैंने अभिषेक से कही, बहुत सारे लोग जैसे गरीब 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 करके संबोधित कर रहे थे शिवानी को, मेरा ये मानना है गोरे भाई, गलत होगा तो रोक दीजिएगा, कि ये कलाकार कभी गरीब नहीं होता है, उसके पास जो कला की दौलत है ना, वो शायद बहुतों के पास नहीं है। हाँ, टैलेंट होना चाहिए। अगर शिवानी के अंदर टैलेंट नहीं होता ना, तो ना तो कोई उन्हें अमीर बना पाता, ना ही आज कोई पहचान बन पाता। हाँ, टैलेंट होना चाहिए, गरीब अमीर कुछ नहीं है, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होगा लोग जानेंगे, और टैलेंट है तो गरीबी अमीरी क्या है, कुछ नहीं। सही बात है, है? और जो पश्चिमी हिंदी जैसे उनकी बहनों ने बात किया, आप चाहते तो आप भी वैसे ही बात कर सकते थे, आपके जैसा शिवानी भी बात कर सकती थी। तो जो लोग गांव के गंवार उवार ये करके कमेंट लिख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? गंवार तो अपने इंसान अपनी हरकतों से बनता है, है ना? अपनी बोली भाषा की पहचान को अगर वो ले जाके मुंबई में वो लड़की कायम रखे हुए है, ये तो उसकी महानता है। ये उन्हें ये नहीं पता है कि वो गमार किस हिसाब से है। अगर वो गमार होती तो क्या मुंबई पहुंच जाती है? वो जो कह रहे हैं कि गमार है, वो अपने आप में झांकें कि वो गमार है या शिवानी गमार है या हम लोग गमार हैं। ये तो अपनी बोली भाषा को कहीं भी बोलना ये गमारपन की निशानी नहीं है, ये अच्छाई की निशानी। अपनी भाषा बोलना कोई गमारी है? कोई गमारी नहीं, ये लोगों की सोचे हैं। तो क्या कहेंगे देश भर के लोगों से शिवानी को जिताने के लिए? सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के छोटे से गांव अरियारी की लड़की एक शिवानी, उसे बिग बॉस में विजेता बना के आए कि उसका सपना पूरा हो जाए। वो अंदर गई हुई है, और जब वो पहली बार निकाली गई तो बहुत हम लोग दुखी थे, हम आपसे एक शीटू भाई प्रदीप, जहाँ तक कि हमारी पूरी टीम पूरी रात सोई नहीं है, और पूरे दिन जिस दिन रात को वोटिंग 9 बजे चालू हुई, 2 बजे तक हम लोगों ने इतनी मेहनत की पूरी टीम ने, हमारे अभिषेक भाई, हमने, प्रदीप भाई और शिवटू भाई एक सेकंड के लिए भाई नहीं सोए हैं, तब जाके हमने उनको अंदर कर पाया है। और ऑडियंस ने इतनी सपोर्ट की कि हो सकता है आगे इससे दूनी करेंगे वो, अगर जरूरत पड़े। एक बात और मैंने नोटिस किया है, बिग बॉस के घर में शिवानी को जितना नोटिस मिल रहा है, नोटिस इन द सेंस जितना लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, और किसी प्रतिभागी और किसी कंटेस्टेंट के बारे में उतना नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये बात सही आपने बिल्कुल कहा है ना। हाँ बिल्कुल, चर्चा उन्हीं की हो रही, उन्हीं पूरे देश में हो रही, प्रदेश की बात मत करो, पूरे देश में हो रही है, क्योंकि एक छोटे से गाँव अरियारी से गरीब घर की लड़की कहाँ से कहाँ पहुँची है, उसने अपनी संस्कृति अपनी पहनावा को एक भी कहीं भी वीडियो देख ली, किसी में बदलाव नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे वायरल हुए हैं जो थोड़ा वायरल हो जाए अपने आप को बहुत स्टार समझने लगते हैं। तो फिल्म भी मिल गई? हाँ, फिल्म भी मिल गई एक, अब आगे देखो कितनी मिलती हैं फिल्में। अब तो हीरोइन भी बन गई। फिल्मों वाली बन गई, खुश हैं? अब तो फिल्म रिलीज होगी। अब तो फिल्म रिलीज होगी, तो मैं तो बहुत अच्छा लगे है, बहुत अच्छा लगे। अच्छा, ये सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है बिग बॉस इंटरनेशनल, सबसे बड़ा जी। फिल्म तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पहुँचना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, यहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता। पहले हमने शिवानी के बहनों से बात किया और गोरेलाल जी से बात किया, जो उनके भाई हैं, मेरे भाई हैं, मामा के लड़के हैं, और सब बहुत खुश हैं। अरियारी की बेटी पूरे देश में अरियारी की चमक बिखेर रही है। शिवानी से पहले शायद ही कोई अरियारी को जानता रहा होगा या अरियारी की बात कर रहा होगा, अब तो अरियारी और औरैया में कोई अंतर ही नहीं रह गया ना, लोग औरैया अरियारी सब एक ही बात। अब तो हम बताएं, लोग जैसे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, टेम्पो ऑटो बसें, तो कंडक्टर जैसे ड्राइवर है तो ये कहते हैं शिवानी का स्टाफ आ गया, अरियारी कोई नहीं कहता है। कोई शिवानी के यहाँ उतरने वाला है ये लोग कहते हैं, ये बात। हाँ, ये कहते हैं हम लोग, पहुँच जाए दिल्ली बम्बई तो या कहते हैं मन से आए हैं गाना अरियारी से, तो अच्छा शिवानी के गांव से आई हो, अरियारी बोला तो शिवानी के गांव से। हाँ, शिवानी के गांव, यही लोग, यही खास। तो चलिए, अभी हमने सबसे बातचीत किया और ये वो प्यारा सा घर है जिसे देखकर मेरा मन मयूर नाच उठा है, मैं बहुत खुश हूँ इस घर को देख करके।
और मुझे लगता है कि अगर शिवानी की चर्चा देश भर में हो रही है तो इस घर की भी चर्चा देर सवेर होगी। इस घर को भी लोग नोटिस में लेंगे क्योंकि ये घर अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है। और हमने सबसे बातचीत किया, सब कह रहे हैं कि जीतेंगे तो भंडारा करेंगे, और भंडारा में जो शिवानी को सपोर्ट करने वाले वो भी आएँ, जो ना करें वो भी आएँ, सारे लोग आएँ, बस अरियारी की बिटिया, औरैया की बिटिया, उत्तर प्रदेश की बिटिया जीत जाए, सबका यही कहना है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए।